महावीर चैनल कार्यकारी अध्यक्ष जिला प्रधान कार्यकारी जिला प्रधान कहते हैं जाम तो ऐसे है जो करनाल में खट्टी टीम आई हुई थी और किसान पूछना चाहते थे भी ये कितने दिन चलेगी जाती जो खट्टर में किला बंदी की हुई थी जैसे कि अंग्रेजों के टाइम में तानाशाही होती थी करनाल की वो किला बंदी की हुई थी। शहर सारा परेशान था आज किसानों ने सोचा था भी खट्टर को ये पूछेंगे MSP कब लागू होगी काले कानून कब खत्म होंगे तो खट्टर सरकार ने बस्ताल टोल पर जाकर शांतिपूर्ण किसान धरना दे रहे थे काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रहे थे जबरदस्त लाठियां बाजी गई और हमारे किसान घायल भी हुए हैं बहुत चोटें आई हैं। इसके आन पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आन किया है भी सभी ने अपना में रोड जाम किए जाए जब तक ऊपर से कोल नहीं आएगी हम रास्ता नहीं खोलेंगे। सरकार को चेतावनी है ये सरकार किसान को हल्के में ना ले अगर इतनी वो है किसान टाइम रख ले खट्टर चैनल टेगी मोहताज नहीं है वो अन्य तेरे पास चैनल टाइम नहीं है किसान चार घंटे में खाली करवा देगा तेरे को इतनी ताकत रखता है किसान अगर अपनी बात याद हो संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है आगे भी जारी रहेगा उसी के हिसाब से चलेंगे जैसे संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा ऐसे चलेंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह है मैं जिले का किसान सभा का प्रधान हूँ। आज बस्ताड़ा के अंदर जो ये घटना घटित है हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको सजा दी जाए और हम हमारे जो संघर्षशील साथी हैं जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिनको ऊपर लाठियाँ बरसाए गए हैं हम उनके बिल्कुल साथ में खड़े हैं। हमारी मांग है कि किसानों को जो से संबंधित जो काले कानून को वापस लिया जाए MSP की गारंटी दी जाए और संशोधित बिल 2021 वापस ले जाए अन्यथा ये कार्यक्रम पूरे देश में चलेगा और आने वाली 5 तारीख को UP के अंदर मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी पंचायत होगी जिसमें लगभग 20 लाख लोग जाएंगे और इसके बाद ये प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा। हम इस आंदोलन को अच्छी तरह लड़ेंगे और हमारा जो हक हम लेके रहेंगे। धन्यवाद। ये धरना प्रदर्शन उस समय तक चलेगा जब तक ये तीनों काले कानून MSP की गारंटी नहीं होती और बिजली बिल 2021 संशोधित जो वापस नहीं होता उस समय तक ये चलेगा। थैंक यू सर। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम तो भगवान का मेरे को सुखपाल कहते हैं। अच्छा जी। आज जाम लगाया गया है क्यों लगाया गया? ये जाम तो वो पुलिस ने कहीं करनाल के आसपास लाठीचार्ज करी है हमने तो अभी पता लगा। हाँ जी हाँ लाठीचार्ज के जाम कब तक रहेगा? जाम तो फिलहाल भी हमारे नेता बताएंगे कि कब तक रहेगा क्या पता नहीं हम तो अभी आए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल ये तो पक्की बात है ही मैं जो संयुक्त मोर्चा आदेश करेगा उसी के अनुसार रहेगा। सरकार की यार जब बुरे दिन आते हैं नी उन्हें अच्छी बात सोचे नहीं करती उन्हें बुरी सोचे करे सरकार के बुरे दिन आ रहे हैं क्योंकि झूठे हैं झूठ का पाप भी बड़ा होता है झूठ बोलते हैं फूट डालते हैं देश में और कोई अच्छा काम तो आज तक इन्हें मोदी ने करे नहीं है क्योंकि इसने कोई भी एक सच बात नहीं कह रखी जितने इसने वायदे करे थे सारे झूठे निकले। 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देने की कही थी वो झूठ 15 लाख रुपये हर खाते में भेजने की वो झूठ भाई तकरीबन ये जितनी भी बातें कही हैं इन्हें वो सारी झूठ ही निकली है बस एक सच निकली है इस पर वो इसके ने पता नहीं लगेगा कि ये सच निकल जाएगी बात वो सुन ले यार वो तो मैंने बेरा है भाई क्या सच निकले। इसने एक बात कही थी कि भाई मैं झोला उठा के भाग जाऊंगा ये तो सच निकल गई इसने पता नहीं था भाई ये तो बात उल्टी पड़ेगी तेरे को बट निकल गई तो निकल गई यही सच है इसकी और कोई सच है नहीं और तो बाकी तो सारी झूठ ही झूठ है इसकी। वो किसी और संदर्भ में कही थी शायद बात नहीं
नहीं वो संदर्भ तो यार कोई कुछ लगा लो हमने तो लगा लिया अपना अंदाजा, हमने तो पता लगा लिया था भाई ये सच निकल गई भाई इसकी बात। चोले तो अभी इन्होंने वो कनक के टाइम में चोले बंडे भी है जब हम गाँव में जब खोलना कहते एक आदमी खड़े हुए कहते खोल दे खोल दो जब ऊपर से देश आओगे जमीन न लाओ ठीक होगी बात। इधर उधर के खड़े थे लटकाए जांगे बैठे रहेंगे प्रजातंत्र में सभी को अधिकार रहता है। काले कान जब तक हमारे काले कानून आप नहीं होते संयुक्त मोर्चा का देश है फिर कोई भी एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कोई भी चेयरमैन जनता के बीच में जाएगा तो उसका विरोध करना है। प्रजातंत्र में सभी को अधिकार है काले झंडे के साथ दिखाओ विरोध प्रदर्शन देश पर भी अपने हिसाब से करो लेकिन उन्हें फिर भी तरना सही दिखा दी। ये चाहते हैं कि 36 बरादरी का भाईचारा टूटे और किसान कमेरा को दबा कर रखे बड़े बड़े धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाए लेकिन आज पूरा किसान कमेरा वर्ग जाग चुका है। सर छोटराव ने कहा था एक तो बोलना लिया सीख एक दुश्मन को पहचान लो आज दुश्मन भी पहचाना गया है और मेरे सारे साथी बोलन भी लग गए। सभी से अनुरोध है जहां भी वह संयुक्त मोर्चा का कॉल आए जिसमें ये नहीं फलाना ने गया दिखाने गया जो भी संयुक्त मोर्चा का देश है जब पीछे ने कह दिया वहीं पहुंचो जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते जब तक अपनी लड़ाई जारी रहेगी। हमें अनुरोध करता हूं दीप बाड़ू भाई और ओम प्रकाश टांडा जी हमारे पूर्व कार्यकारी प्रधान जी वहां और भाई कर का ब्याह कर की भाई का पहली घड़िया सारे बोल लो जी 9 महीने में तो जाहिर तक नहीं बुलाना सिक्के नहीं फिर इतना बड़ा आंदोलन नहीं चलता सारे बारी बारी खोल लो अपने घरे का काम है कोई दिक्कत नहीं। हमें अनुपक्षी बनकर इकट्ठा रहना है।